और चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी बीच बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आई है, एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिश की गई है। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर फायरिंग की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी, पाकिस्तान ने एलओसी पर सीज फायर तोड़ा है। देखिए, लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिश की जा रही है, अशांति फैलाने की कोशिश बार बार जम्मू कश्मीर में, और एक बार फिर से यही हरकत पाकिस्तान की देखने को मिली है। एलओसी के पास जो है फायरिंग की गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को फायरिंग में बीएसएफ जवान अब इसमें घायल हो गया, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जब फायरिंग की जा रही थी, वहां पर जो जवान तैनात थे और उनकी फायरिंग की वजह से एक बीएसएफ का जो जवान है उनके घायल होने की भी खबर मिल रही। जो तस्वीर आपको दिखा रहे, कुछ देर पहले की तस्वीर है। पाक बार बार देखिए किस तरीके से यहां पर लगातार ऐसी हरकत कर रहा है, जिसे लेकर हमारे जवान भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ा हो। आपको बता दें, पाक पर करो प्रहार, ये मांग लगातार उठ रही है। एलओसी पर पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ा है। इससे पहले भी एलओसी पर सीज फायर तोड़ता रहा है पाकिस्तान। रात 2:35 पर फायरिंग की गई है पाक सैनिकों की तरफ से। पाकिस्तान ने भारतीय पोस्ट को निशाना बनाया और सीज फायर का उल्लंघन किया है। आपको बता दें, पाकिस्तान की गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान भी जख्मी हो गया। रात 2:30 का ये पूरा मामला है जब पाक ने सीज फायर का उल्लंघन किया। बीएसएफ ने पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया है। बीएसएफ की तरफ से इससे पहले भी लगातार करारा जवाब दिया जाता रहा, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एलओसी से सटे इलाकों में अलर्ट पर है सेना। सेना पूरी तरीके से अलर्ट पर है, जो भी इलाके एलओसी से सटे हुए हैं, क्योंकि पाक लगातार इससे पहले भी सीज फायर का उल्लंघन करता रहा है। और इस बीच एक बार फिर 2:30 पाक सैनिकों की तरफ से फायरिंग की गई। और गुरसिमरन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, एक बार फिर से नापाक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है, सीज फायर को तोड़ा गया है, अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है और साथ ही साथ जो ये हरकत की गई है, ये कब की गई थी? देखिए, आपको बता दूं कि ये इलाका जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है जहां बीएसएफ की तैनाती है। कानाचक सेक्टर पड़ता है जम्मू जिले में, जहां पाकिस्तान की तरफ से देर रात तकरीबन 2:35 पर एकाएक जो है सबसे पहले स्नाइपिंग की कोशिश की गई। जब उस पर रिटेलिएशन हुई तो पाकिस्तान की तरफ से तकरीबन दर्जन भर राउंड जो है वो फायर की गए। इस वक्त हम कानाचक में मौजूद हैं। पाकिस्तान में ठीक सामने का इलाका गौरव से कहूँगा आपको दिखाएं। गौरव, जिस पाकिस्तानी पोस्ट पर आपको फोकस कर दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तानी पोस्ट मोहम्मद असलम पोस्ट है। यहां से ही पाकिस्तानी जो रेंजर्स हैं, 24 चिनाब रेंजर्स, जो पाकिस्तान के यूनिट यहां पर डिप्लॉयड है, उसकी तरफ से कल देर रात एकाएक जो है फायरिंग की गई, और जिसमें भारतीय सेना का बीएसएफ का एक जवान जो है वो घायल हुआ है। उसके बाद पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये बीएसएफ के अधिकारी, तमाम आला अधिकारी, जिसमें जम्मू फ्रंटियर के आईजी डीके बूरा है, उसके साथ साथ सेक्टर डीआईजी के साथ साथ डीआईजी ऑपरेशन मौके पर पहुंच चुके हैं और लगातार हालात का जायजा लिया जा रहा है। पिछले एक साल की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से ये जो फायरिंग है, इसकी चौथी घटना है। पिछले साल शुरुआत जो है 27 अक्टूबर को हुई, सबसे पहले अरनिया सेक्टर, उसके बाद रामगढ़ सेक्टर में 9 नवंबर को, फिर इसी साल की बात की जाए तो 14 फरवरी को पाकिस्तान की तरफ से आरएसपुरा सेक्टर में फायरिंग की गई, और अब एक बार फिर से कानाचक सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से जो है वो फायरिंग की गई। ये बताता है कि किस तरह चुनाव से ठीक पहले पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम संधि का उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हालात खराब किए जाएं। दो दिन पहले नौशहरा में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश नाकाम होती है, और उसके बाद अब एक बार कोशिश गुरसिमरन हो तो रही है, लेकिन वो अपने कोशिशों में नाकाम साबित हो रहा है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देखिये, ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया है। कब कब तोड़ा गया है वो जरा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते। देखिए, बात अगर 27 अक्टूबर 2023 की करें तो जम्मू के अरनिया सेक्टर में सीज फायर को तोड़ा गया था। उस समय भी पाकिस्तान की तरफ से यही कोशिश की गई थी, हालांकि उस कोशिश को नाकाम उस वक्त भी किया गया था। अब सामा की बात करें तो रामगढ़ सेक्टर में भी सीज फायर को तोड़ा गया था, 9 नवंबर 2023 का ये मामला है। यानी कि देखिए, 2023 की बात करें तो 2023 में भी एक के बाद एक ऐसी कोशिश जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, यानी कि अशांति फैलाने की कोशिश लगातार हो रही है। अब बात 2024 की कर लेते, 14 फरवरी 2024 की, तो जम्मू से ही खबर सामने आई थी जहां आरएस पुरवा सेक्टर में भी
फायर को तोड़ा गया था। तो देखिए किस तरीके से पाकिस्तान जो इस वक्त बौखलाहट में है और यही वजह है कि बार बार इस तरीके की नापाक हरकत करता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू के अखनूर सेक्टर की बात करें तो 11 सितंबर 2024 में भी उसने यही कदम उठाया था, यही हरकत की थी। हालांकि उस वक्त भी जो हमारे सुरक्षा बल है वहां पर तैनात थे और मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया था, लेकिन बार बार देखिए नाकाम वो साबित हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी किस तरीके से वो कदम उठा रहा है ताकि अशांति फैलाया जाए, यानी कि ऐसी हरकत की जाए ताकि जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो बार बार यानी कि परेशान नजर आए, लेकिन वो बार बार अपने मंसूबे में नाकाम ही साबित हो रहा है। और आइए हम आपको बताते हैं लाल चौक का डर आखिरकार किसको है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सुशील कुमार शिंदे जो कि मनमोहन सरकार में गृहमंत्री रहे हैं उनकी तरफ से दिल्ली में एक बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि जब वो मनमोहन सरकार में गृहमंत्री थे तब उनको जम्मू कश्मीर के लाल चौक और साथ ही डल झील जाने से बहुत डर लगता था। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत छिड़ गई है, बीजेपी निशाना साध रही है, लेकिन सुशील कुमार शिंदे ने आखिर ऐसा क्यों कहा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उन्होंने एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी स्थिति वो किसको बताना। सुन रहे हो राहुल बाबा, जिस जम्मू कश्मीर में खड़े होकर आप बर्फ से खेलते हो वहाँ आपकी सरकारों में खून की होलियाँ खेली जाती थी, लेकिन अब आतंक मुक्त खुली हवा में सांस ली जाती है जो हुआ 370 के खात्मे के बाद। जम्मू एंड कश्मीर नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप, एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जिस लाल चौक पर अब मोदी राज में शान से तिरंगा लहरा रहा है वहाँ यूपीए सरकारों में खौफ होता था, झंडा तो दूर, लोग वहाँ जाने से भी डरते थे। और ना ये दावा अब बीजेपी ने किया है ना ही हम कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के राज में कश्मीर के खौफनाक हालातों की पोल खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने खोल दी है। लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी स्थिति वो किसको बताना। शिंदे जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको सुना तो नहीं सकते, मगर इतना जरूर समझा सकते हैं कि वो कहना चाहते हैं कि बहुत डर लगता था, जबकि शिंदे यूपीए सरकार में गृह मंत्री थे, वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, सोलापुर सीट से 3 बार के सांसद हैं। सोचिए जो शख्स केंद्र की मनमोहन सरकार में मंत्री रहा, गृह मंत्री जैसे ताकतवर पद पर काम किया, उसे भी कश्मीर जाने में डर लगता था, लेकिन मोदी राज में कश्मीर बदल चुका है, अब गोली नहीं अमन है। इस बयान से पता चलता है कि कांग्रेस की सरकार के समय जम्मू कश्मीर के हालात कैसे थे। आतंकवाद, अलगाववाद और पथराबाजियों की बोलबाला था। अगर देश के उस समय के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जाने से कतराते थे, डरते थे, घबराते थे, तो समझ लीजिए क्या हाल होगा। आ जाइए, लाल चौक पर देश का कोई भी व्यक्ति जा सकता है, तिरंगा झंडा फहराता है। कांग्रेस की ही देन है जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फल फूल रहा था, पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 370 को हटाया, उसके बाद से लेकर के आज तक कश्मीर में सुख शांति और समृद्धि तीनों चीज़ें हैं। वहाँ का टूरिज्म, वहाँ का व्यापार, वहाँ की इंडस्ट्री फल फूल रही है, वहाँ पर आतंकवाद का लगभग खात्मा हो चुका है, और आप देखिए आज जम्मू कश्मीर में निष्पक्षता के साथ चुनाव भी हो रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जिस तरह के डर का उन्होंने जो है माहौल बताया है, वह सिद्ध करता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जम्मू एवं कश्मीर में किस तरह से शांति की बहाली हुई है।